मैं कहूँ कि घाटी हॉस्पिटल का जो सवाल हमारे रूल निकाला करीब महीने से, करीब मैं घाटी हॉस्पिटल में गया था और किसी भी हालत में घाटी हॉस्पिटल पर तो सरकार, ये मोदी सरकार का ऐसा दावा है कि सारी चीज खाजगीकरण कॉन्ट्रेक्टर में इसे सब खाजगीकरण करना चाहते हैं। मतलब आपको पता होगा कि तहसीलदार के भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चला था, जब जिला उपकर होने के आज एजुकेशन में जो टीचर है जितने टीचर लोगों को घर पे भेज रहे हैं और वहाँ आएंगे दूसरे, मतलब उसका भी खाजगीकरण कर, बहुत बड़ा मोर्चा शिक्षकों का निकला था टीचर लोगों का, ये सारी बातें होगी। तो मैं ये कहूँगा कि तो सरकार सिर्फ खाजगीकरण और दो व्यक्ति के लिए, अडानी अंबानी के लिए कर रहा है, बाकी कोई किसके लिए नहीं कर रहा, किसी के लिए नहीं किया। मैं तो कहूँगा कि माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने उसका क्या किया था, जैसे कि माड़ा के चेयरमैन थे, वह भी माड़ा का मिनिस्टर था, हमारे मोहम्मद नैन्सी वो साहब के बहुत दोस्त थे, उन्होंने ये हाउसिंग की स्कीम जो है ना उन्होंने साहब को दी थी, साहब के दोस्त है, और वो होने के बाद में वो उसका मंत्री मैं होगा था। बोलने का मतलब हमारे यहाँ कोई जाति पात नहीं। मैं ये भी कहूँगा आपको कि अपने यहाँ में जब मंत्री था, जब गरीब नवाज दवाखाना खोला मैंने, मैं आया था इधर सरकार गेंद का, उसके बाद में बेसर कॉलोनी में भी एक सभा कर लिया था, शादी खाना खिलाड़पुर में गया था, और हर महीने में मैं एमएससी की मीटिंग लेती थी, देशमुख साहब आप आते थे हर महीने में एमएससी की मीटिंग, कभी लाइट जाता नहीं था कुछ नहीं, सब लोग आते थे, चार चार घंटा में मीटिंग लेता था एमएससी की। आज एक भी मीटिंग नहीं हुई, मैं 138 मीटिंग लिया मैंने, आज एक भी कुछ हुआ नहीं। बोलने का मतलब लाइट जा रही है, जा रही, कोई कुछ देखने के लिए तैयार नहीं, अब फोन करेंगे कब आएंगे लाइट, लोगों को परेशानी ऐसी हो रही है। आज मैं ये भी अभी घाटी हॉस्पिटल में आप कभी भी कोई आपका कोई पेशेंट गया होगा वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ नारायण हमारा जो है नारायण कान का थे उसको हमने ड्यूटी दी थी, वो वहाँ अपना सामने झुमका बाकर केंद्र है ना, वहाँ 9 बजे बराबर रहता, जो भी पेशेंट के नातेवाईक वगैरह आते, रिश्तेदार आते, वो उसको लेके जाते हैं और 12 बजे तक वहाँ रहता, पूरी सेवा वो करता है। आपको कोई तकलीफ होगी नहीं, हमारे सारे लोग यहाँ हैं, आपको मालूम होगा। अच्छा, उर्दू लाइब्रेरी के लिए अपन मदद की थी, उर्दू लाइब्रेरी वो दीदी गई क्या, आपा गए हो, तो उनको बता दीजिए, वो उनको आपा को बता दीजिए कि उर्दू लाइब्रेरी अपन शुरू किए, वहाँ बच्चों ने जाना चाहिए, क्योंकि एमपीएससी यूपीएससी का परीक्षा पास होना चाहिए ना, कि दूसरे ही बिहार के उर्दू के आएंगे लोग, अपने भी लोग पास होना चाहिए। उसके बाद में मैं बताऊँगा कि अभी ये रोशन गेट के पास, मतलब इधर के बाजू में जो खाली पड़ी जगह, उसके लिए लोग अपने देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो खाली जगह जो है वो इसकी गिरने की थी पहले, आपको चाचा मालूम है, वो गिरने की जमीन जब बाजू की इधर, वो गिरने की जगह पे बच्चों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वहाँ जो को जरा आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वहाँ वो ये आ रहा है, वो जमीन का मोल माफ कर रहा, ये प्लॉटिंग करने का, वो प्लॉटिंग करने का, लूट रहा है वो जमीन जो है तो आप लोगों की पहले की जमीन है, इसलिए वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर हुआ तो अपने बच्चे खेल कूद में आगे आ सकते हैं, इसलिए मेरी तो डिमांड हो ही नहीं है कि वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। हम लोग का आपके आशीर्वाद से सरकार आने तो सबसे पहले उद्धव साहब को ला के वहाँ उसका भूमिपूजन करा देंगे, और भाई गाँव की मैं वक्फ बोर्ड का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन था, सदर था, मेरे मेंबर बनात वाला साहब था, लेकिन हम तो सब जगह जाते थे। आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो भी वक्फ जिसने किया था उनकी, उन्होंने जो अनाथ बच्चे बेवा हो बाकी उनके लिए वो किया था, और वो कारण से कुछ पढ़ाई वढ़ाई लोग बढ़ रही थी वो उसके पैसे से, लेकिन आजकल उसके ऊपर भी ऐसा आँख है कि तो ये कब खरीदेंगे और कब कर लेंगे। मैंने ये बोला कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कभी लेना नहीं किसने भी, जिसने भी लेगा रहा हो वो बर्बाद हो जाता, लेकिन बहुत लोग उसमें वो प्रॉपर्टी को भी देख रहे हैं और लेने के लिए, लेकिन मैं वक्फ बोर्ड को मैंने बचाया पूरे देश भर में, और 12 स्टेट में मैं गया था, 12 स्टेट में जाके कई जगह मैंने उसका वक्फ बोर्ड का फायदा किया था, बाड़ा ये वो सब। लेकिन आज यहाँ भी अपने यहाँ कुछ लोग वक्फ बोर्ड के जमीन पे ऑफिस बनाए, कुछ लोगों ने भाड़ा पे दे रहे नहीं, बड़ा ऑफिस बन गया, बराबर है क्या? हाँ,
अच्छा ठीक है, ऑफिस बनाओ, परमिशन लो, लेकिन उसको भाड़ा क्यों ना बड़ा, तुम 50 रुपये 100 रुपये देंगे थोड़ी चलेगा। दिल्ली में ऐसे होता था, दिल्ली में एक जगह गए मेरे पास तकड़ा भाई, तो मैंने बोला ये क्या है, बोले साहब 100 रुपये महीना, और वो लोग 1 लाख रुपये रोज कमा रहे, और हमारे वर्कर को पैसे नहीं पकड़ देने को, हमारे एम्प्लॉय को। मैं सीधा पूरा फोर्स फंडा लेके गया वहाँ, उनको चलो खाली करो, क्योंकि वर्क बोर्ड को क्या होता है आपको उसमें खाली करने का आदेश उनके पास रहता, कोई रोक टोक नहीं रहती, और खाली करो कमा जल्दी। मेरे सब कैसे क्या मतलब क्या भाड़ा देते थे 100 रुपये, और कमाते कितना 1 लाख रुपये रोज कम से कम। तो मतलब इनको वर्क बोर्ड को आप दीजिए, वर्क बोर्ड को पगार देने के लिए पैसा नहीं कर्मचारी का। तो जब मैंने वो जाने के बाद में वहाँ वो पूरा मतलब 2-4 घंटे चल रहा मामला वहाँ, पुलिस वुलिस सही सब उनको ले गया मैं, पुलिस वही सब उनको, फिर 1 लाख रुपये महीना मैंने कराया, 100 रुपये का 1 लाख महीना कमाया, उनके लोगों को कर्मचारी को पगार रहा। ये सारी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन आज मैं कहूँगा कि सरकार ने वर्क बोर्ड की डिफेंस लैंड फॉरेस्ट लैंड वो भी बेचने का संकल्प किया है मोदी ने। मोदी ये सब जमीना बेच रहा, सब कर रहा है, और सब जो लगेगा कुछ जो जो अच्छी चीज घाटी का मैं बोल रहा ना, मुझे कल रात को परसों रात को एक अधिकारी ने बोला साहब ये घाटी भी बेच रहे हैं, अगर घाटी बेचे तो हमारे सारे लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे। तो ये दाव जो है ये इनका ही है। आज महाराष्ट्र सरकार में भी मैं कहूँगा कि कुछ नहीं चल रहा, महाराष्ट्र सरकार में भी ऐसे ठिकाना चल रहा, कोई गरीबों को पैसा नहीं आ रहे। अभी संजय गांधी का पैसा कहाँ आ रहा जल्दी, वो चक्कर मारना पड़ता सब लोगों को। ये सारी बातें, विवाह का पैसा नहीं आ रहा, बोले आ रहा, वो चक्कर मारते, फिर वहाँ से कुछ अधिकारी अपने जो कर्मचारी रहता वो भी छोटा मोटा उनको देना पड़ता, लोग कह रहे क्या भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया। ये मिंदे सरकार के समय में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है पूछो मत, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ये लोगों को बांटने के लिए कैसा आ गया, जो आमदार फोड़ने के लिए कैसा आ गया, ये भी 50-50 खोके। मैंने एक बार बोला था किसानों के पास सामने बोला था, अरे मतलब तुम 50-50 खोके ले रहे हैं, लेकिन एक एक पेटी तो दो हमारे किसानों को, लेकिन उन्होंने पेटी तो छोड़ दो, लेकिन उधर आके वहाँ से। आज मैं ये कहूँगा कि आज ये सरकार बहुत मतलब ये जनता को सताने वाला सरकार है, त्रस्त करने वाला सरकार है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि माननीय उद्धव जी का सरकार, माननीय सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या अपने महाराष्ट्र कांग्रेस हो, या और भी शरद पवार साहब तो है अभी, लेकिन जो भूल गए वो भी नाराज़ हो गए मेरे ख्याल से, वो भी वापस आ गए। लेकिन ये सारी बातें जो है ये आज मोदी ने पूरा सरकार, और ये आपको बताऊँगा ये जो देवेंद्र फडणवीस है वो सबसे ज़्यादा मतलब शूटली मतलब ऐसी तरह से कर रहे हैं कि पूछो मत। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है पूरी। वो जो अपने बताते हैं वो कोई एक अभी मैं जाने वाला हूँ मड़गांव पे, वो एक पद ले लिया भाजपा का और दादागिरी कर रहा, तो ये ऐसे लोग हैं तो हमको सही करेंगे, लेकिन मैं बताऊँगा उसको सीधा करने के लिए हमको भी जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं ऐसे लोग। लेकिन आज मैं कहूँगा कि सारे मुस्लिम समाज के खिलाफ ये बीजेपी है, मोदी है, जानबूझ के फिर भी अपना इसको ला रहा उसको ला रहा, फिर भी कर रहे हैं ऐसे भी कर रहे हैं, तो लोगों को मतलब मुस्लिम समाज को नाम लेते हैं, और हमको क्या बोलते हैं तुमने तो क्या इस्लाम स्वीकार किया है क्या। अरे माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा कि सब धर्म एक साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बोलते हैं सब धर्म एक बात, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में भी मुस्लिम थे सब कास्ट के लोग थे, वो सब लोगों को लेके उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। आज मैं कहूँगा कि उसी तरह से माननीय बाला साहब ठाकरे जी काम करते थे, लेकिन आज ये बीजेपी वाले ऐसा लगते हैं कि बस समाज में जात धर्म में झगड़े लगाने का वो कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आपका आशीर्वाद माननीय उद्धव जी के साथ में रखिए, शिवसेना के साथ में रखिए, हम आपकी सेवा ही जब तक चलते रहेगा ना, सतर ये जब तक हम आपकी सेवा करते रहेंगे उसका आशीर्वाद रहेंगे। पहले कहा था कि मैं आज तो MP नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में भी जाकर आपको जो भी आपका ना होम डिपार्टमेंट में गया हुआ के लिए होम डिपार्टमेंट की जमीन है वो ऐसा नहीं है, उसका भी हम लोग उसका ये कर देते जो क्योंकि ये सवाल हमारे समय में आया था, फिर लोकसभा में भाषण किया था कि हमारे वो लोगों का क्या होगा, वो उनको उठाएगी क्या, तो अपने यहाँ तो 25,000 लोग वहाँ रहे थे, उसमें मैंने उसी समय रबानी को बोला था कागज निकालो हम लोग लड़ाई करेंगे और इनकी जमीन है उनको मिलेगी। थैंक यू। घाटी दवाखाना जो है तो
बाकी दवा खाने में जब बच्ची जाती है डिलीवरी के लिए तो मेडिसिन इतना लिख के दे देते हैं वो, तो मेडिसिन क्या घाटी में देते नहीं है क्या सरकार? बाहर से लाना पड़ता है और कितनी परेशानी होती है बच्ची को ये हमको मालूम है, हम गए थे वहाँ। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आज सीजर के नाम पे इतना लूट रहे हैं, तो उस पर कोई पाबंदी सरकार लगा रही क्यों नहीं है? हाँ, आज गरीब वे बस बड़े लोग तो कर लेते हैं, पर गरीब क्या करना उसके लिए? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, इसका कोई आप हल निकालिए। जब मैं घाटी में गया था तो ये सबसे पहले यही मुद्दा मैंने उठाया कि डिलीवरी के समय में भी कोई दवा नहीं मिलती और दवा बाहर से लाना पड़ता, कहाँ से लेगा दवा? हम लोग सब ये सब लोगों को बोलते आसपास के गांव वाले को, भाई घाटी में रहते जाओ तुम, खाकी दवाखाने जाने के बाद में तुम्हारे पास पैसे रहते नहीं रहते, फिर उसका बिल कम करो, फिर नंदुओं को बोलो या हमको बोलो, हम उसको बोलते इससे घाटी में, अगर घाटी में ही अगर कुछ नहीं है, जैसा एक्सरे की कभी मशीन बंद रहती, MRI है नहीं, ये बाकी सब हार्ट का पेशेंट था, कले हार्ट का पेशेंट नहीं, सिर्फ उन्होंने एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी नहीं करते बाकी कुछ, हमने ये बोला कि ये सब होना चाहिए। और हसन मुर्शीद साहब को भी हमने ताबड़तोड़ कर फोन करके बताया कि तुम झूठ क्यों बात करते हैं, जब ये कुछ होता नहीं तो क्या सरकार काहे के लिए तुम्हारा? ये सरकार को बदलना है अपने को, ये सरकार को बदलने के बाद ही अपना अच्छा होगा। जैसे माननीय उद्धव साहब ने कोरोना में सब चीज़ की फैसिलिटी दी थी, सबको फैसिलिटी देने के बाद में ये लोग बोले कि कोरोना में भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जानबूझ के अपनी जान तो बच गई कि नहीं? लेकिन आजकल क्या चल रहा है उनका, ये सब खासगीकरण कर रहे हैं। मैं बताऊँगा कि खासगीकरण करने का ये नतीजा वो कर रहे हैं। और मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार बदलने के बाद ही घाटी के व्यवस्था में, लेकिन हम लोग बहुत बड़ा मोर्चा वहाँ निकालने वाले हैं, ये दवाई के लिए उसके लिए शिवसेना की तरफ से बड़ा मोर्चा निकालेंगे और आपको भी साथ में मिलेंगे। मैं सर का रहने वाला हूँ और मैं एक बतौर यहाँ के नागरिक तौर पर आपसे सवाल कर रहा हूँ। सर, मुसलमानों को कोर्ट के द्वारा पास रख के आरक्षण दिया गया शिक्षा के अंदर, मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में कोर्ट बड़ी है कि सरकार बड़ी है? नंबर एक। नंबर दो है सर कि हज हाउस बन के पड़ा है, जबकि हज हाउस के वास्ते लड़ी लड़ी गई थी और वंदे मातरम हॉल बन के तैयार होगा, उद्घाटन होगा, ये देख के मुसलमानों को तकलीफ होती है, खुशी से बात है, लेकिन हज हाउस बन सर तो उसका मतलब क्या है कि मुसलमानों को? हज हाउस और वंदे मातरम हॉल ये मेरे ही समय में मैंने बहुत 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 प्रयास से बहुत आंदोलन करके ये करके मैं पालक मंत्री रहा, जब भी बहुत मीटिंग लेके ये दोनों भी मैंने साथ में किया। अभी वो उद्घाटन के लिए वो उनके झगड़े चल रहे हैं। अच्छा, एक दिन आके तो वंदे मातरम का उद्घाटन कर दिया, सब लोग जाएंगे उद्घाटन कर लेंगे उद्घाटन। देखिए, वो आप लोगों के लिए नहीं, वो हाजी लोगों के लिए अपने बनाए। हाजी लोग जो जाते हैं बाहर से आते हैं तो समझो भी प्लेन का टाइम समझो 4 बजे का शाम को, तो कल शाम को ही आ गए हो तो कहाँ रुकेंगे? तो उसके लिए उनके लिए वो बनाए हैं, वो भी माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से बना था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने मुंबई में भेली बाजार के समय में एक बहुत बड़ा हज हाउस बनाया था, तो बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से बना। सब आरक्षण 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 तो अभी सब आरक्षण का झगड़ा रोज चल रहा है। नहीं सर, कोर्ट ने दी थी, कोर्ट ने दिया था सर। नहीं, कोर्ट ने दिया, लेकिन ये मानते ना, ये छोटा कोर्ट में दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जाते लोग। ये सरकार ये आरक्षण के मतलब देने की तैयारी में नहीं। आज मराठा आरक्षण के लिए कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है, नहीं ये देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं करता, देवेंद्र फडणवीस का इसमें बहुत खिलाफ है, मराठा आरक्षण भी देता नहीं है और OBC को भी देता नहीं है और धनगर आरक्षण भी देता नहीं है, ये सब झगड़े लगाने का काम देवेंद्र फडणवीस का। सर 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 सर, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या पहली फुर्सत में पहले महीने में काम होगा सर? जो भी अपनी सरकार आने के बाद में, जैसे भी मैं बताऊंगा कि माननीय उद्धव जी का सरकार जब आने के बाद में, मैंने कई हाजी लोगों को कई मौलाना लोगों को ले गया था, 2-3 बार ले गया था, और जैसा उन्होंने उद्धव साहब को बोला कि साहब ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसी तरह से उद्धव साहब ने किया। आपको मालूम होगा कि हर राज्यों में उन्होंने एक कायदा, क्या बोलते लेकिन माननीय उद्धव जी ने नहीं किया, क्योंकि जो हाजी लोग और बाकी मौलाना लोगों को ले गए थे उन्होंने पहले बोला साहब ये नहीं होना चाहिए, तो उद्धव साहब ने नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया, लेकिन बाकी आजू बाजू गुजरात में तो कितना है, सभी जगह किया उन्होंने। तो मैं कहूँगा कि उद्धव साहब के कारण से NRC का जो अपने महाराष्ट्र में नहीं हुआ, इसलिए बहुत लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया कि उद्धव साहब को बहुत धन्यवाद करता।
मैं एमपी था जब आज को कितने लोगों को भेजा और आज जाते क्या कोई मुस्लिम एमपी होने के बाद भी जाते कोई? मैं तो हिंदू आदमी होने के बाद भी कम से कम सबको बोला, मैं उधर से ये बोलता था खजूर लेके आओ, पानी लेके आओ, लेके आते थे। आज के हमारे मोहसिन भाई मोहसिन गया था, मोहसिन ने मेरे को खजूर ला के दिया, पानी में ला के दिया। इसलिए मैं बताऊंगा कि ये नामुमकिन है, ये मैं होने दूंगा। हमने कई जगह में दवाखाने खोला, जैसे सिल्वर कॉलोनी हो यहाँ भी हो, हम लोग ऐसे ध्वजाभाव नहीं करते। बाला साहब ठाकरे जी बोला कि कभी भी जात पात का राजकारण नहीं करना, करते धर्म का भी नहीं करना। नहीं, ऐसी भी चर्चा है इधर, क्या मुस्लिम वोटों पर नजर है शिवसेना की? नहीं, मुस्लिम वोट उनका आशीर्वाद मिलने वाला है, मुस्लिम वोट का आशीर्वाद माननीय उद्धव जी को मिलने वाला है, महाविकास आघाड़ी जो, क्योंकि ये मोदी झगड़े लगाने वाला आदमी है। मोदी ने मुसलमानों को कितना तकलीफ देना चालू कर दिया और ये लोगों को मालूम है कि एक भी मुसलमान भाजपा को वोट देने वाला नहीं, फिर किसको देगा? फिर हम लोग हैं, एमआईएम को देने वाला नहीं, एमआईएम बीजेपी से। तो मेरे को बोलते हैं लोग, लेकिन आते जाओ हमारे पास भी, तो मैं आ गया, पैसा हमेशा ही आता लेकिन आ गया। लेकिन ये जनता का ये चर्चा के लिए आया, चर्चा पहली चर्चा होने तो लोगों को मालूम होने, तो ये मोदी के साथ कैसे यहाँ मुस्लिम वार्डों में मुस्लिम एरिया में बहुत सारी समस्या है, अभी आपके सामने बयान किए यहाँ के लोगों ने, क्या शिवसेना इसको पार लगाएंगे मसलों? पूरा पूरा मतलब मुस्लिम एरिया में मैं भी है, तनवानी साहब महापौर थे, नंदूबाबू महापौर थे, नंदूबाबू ने कितना काम किया मुस्लिम एरिया में, और हम लोग ऐसे ध्वजाभाव नहीं करते। मैंने कई जगह भी फंड दिया है, कई जगह के मैंने रास्ते ठीक करवाया है, वो अपने मस्जिदों का काम किया है, हिमा कब्रस्तान का किया है बॉन्डे का, उसके बाद में फिर वजापुर में मैं इसका भी किया, ईदगाह काम किया था। आने वाले समय में मुस्लिम इलाकों में आप प्रतिनिधित्व हमेशा हमेशा हमें करेंगे, बाकी कोई नहीं करता। समस्या है क्या? तो समस्या है सर, तो समस्या का सॉल्व कैसा सबको मिलके अपने को निकालने का है, और जैसे सब तरफ काम होते हैं वैसे ये एरिया में भी काम होना, ये हमारी एक इच्छा है। और हमने हम एक पार्टी एक पक्ष है, हम इलेक्शन लड़ाने वाले हैं, तो आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि हम कौन से वोट पे नजर नहीं रखना? हमारे जितने भी हैं सबके ऊपर हमारी नजर है, सबके हम काम करने का है और सबको साथ में लेने का। मेरे मुझे पे मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ पानी की जो समस्या है इस शहर में जो किसी ने आया है, तो एमआईएम और बीजेपी मिल के लाए। मैंने समांतर जलवाहिनी जो है 792 करोड़ की समांतर जलवाहिनी पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाई है, लेकिन ये लोगों ने जानबूझ के विरोध की काम चालू हो गया था। बड़े बड़े पाइप टाटा के 500 करोड़ को उनका कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था और बड़े बड़े पाइप भी डालने चालू कर दिया, लेकिन एमआईएम और उसके बाद में फिर बीजेपी और उसके बाद में कुछ एनजीओ, कोई मीडिया भी मतलब आपने कोई मीडिया भी और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, उन्होंने जानबूझ के ये देखा कि इसमें अपने कोई मिलने वाला नहीं है और ये कैंसिल कर दो, और वो कैंसिल कर दिए इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुए था ऐसा आरोप करके किया। लेकिन आज मैं कहूँगा कि मैंने केंद्र सरकार से लाया था, कांग्रेस के गवर्नमेंट में वो योजना आई, आज कम से कम ये ऊपर तक बिल्डिंग से पानी जाता था, 24 घंटे आपको पानी मिलने वाला था, लेकिन ये जो है बीजेपी और एमआईएम ने इन्होंने दाव करके ये होने दिया नहीं, लेकिन ये नुकसान किसका हुआ? आज की जो पानी मिलता नहीं वो नुकसान किसका हुआ? जनता गवा क्या नहीं? और आज ये भी जो 26 तक ये होने वाला नहीं है, मतलब अपना नुकसान कौन किया? ये बीजेपी और एमआईएम ने पानी का नुकसान किया है। ये आदर्श बैंक जो है इसके बाद में 2019 में मेरे पास 2019 में उद्धव साहब के मुख्यमंत्री बने थे, 2260 करोड़ रुपए की योजना उन्होंने मंजूर की हुई है और वो काम अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर भर में तुम्हारे रोशन गेट में भी पाइपलाइन का डालने का काम चालू होगा और यहाँ पे टाकिया भी बनने का काम चालू होगा। 2025 तक का पानी आपको 100% मिलने वाला है। और आप जो बोल रहे हैं अभी कि ड्रेनेज का पानी के जो आ रहा है 8 दिन में पानी आ रहा है, वो सबके वही हालत है, ड्रेनेज आ रहा, प्लस शहर ओल्ड सिटी है, इसके अंदर कैसा है कि कंप्लेन आते रहती है इसके अंदर अभी प्रशासक बैठे हुआ है महानगर पालिके में, हमारा नहीं है सिर्फ नंदूबोले में एक ही थे, फिर भी अगर तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम होंगे किधर ये शहर में सब तरफ ही प्रॉब्लम है। हाँ तो आता हूँ तो 100% आप आओ, हम तुम्हारे साथ में आएंगे, आपको महानगर पालिके जी काम करा के लिए
मुस्लिम एरियो के अंदर जो शिवसेना ने जो प्रोग्राम लिए है तो ये उद्धव ठाकरे तक क्या पहुँचेगा ये मैसेज? अरे उद्धव साहब ने बोला आदर्श बैंक में और अजिंठा अर्बन में बहुत सारे खातेदारों के आगे लाखों रुपए अटके हुए हैं। उनका बोलना है कि आपने आवाज नहीं उठाई। नहीं, एक बात है आपको मैं कहूँगी, ये सुधा मामा यहाँ खड़े हैं, इसकी प्रसिद्धि लिए आदर्श। ये बैंक जो है ये कुछ लोगों की है और वो बैंक में उन्होंने कई लोगों के पैसे रखे। मैंने जी इस वक्त मैंने पूरी खातरी किया, मैं जब पिछोर गया था, नाचनवेल गया था, कन्नड़ गया था, वहाँ मेरे बहुत से दोस्त मिले मुझे और मुझे कई नागरिक मिले, जैसे कि पिछोर के 30-35 करोड़ है, कन्नड़ के अलग है, नाचनवेल के अलग है, बाकी अन्य इसके अलग है, सभी ज़्यादा कन्नड़ के पैसे थे। तो मेरे को वहाँ के लोगों ने बोला तो मैंने हम लोगों ने क्या किया, 550 की ठेवी है वहाँ जो डिपॉजिट है और उनका जो प्रॉपर्टी निकाली हमने 750 करोड़। सुधा मामा और कहाँ है सुधा मामा? सुधा मामा और हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी पूरी निकाली और पुलिस को दी, विभागीय आयुक्त से बात की, कभी डीडीआर से बात की, सबसे बात करके हम लोगों ने ये कागज कार्रवाई शुरू कर दी। हम जाके लोगों के सामने भाषण करना, ये करना, लोगों के सामने भाषण करने वाला कौन करता है मालूम है ना? उनके कितने पैसे एनके बिल्डर के मार्फत वहाँ बैंक में है, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप समझे क्या? इम्तियाज जलील जब आंदोलन करते हैं वो क्यों करते हैं मालूम? उनका दोस्त जो है एनके बिल्डर वाला, उनके कई पैसे उनके डिपॉजिट है वो डूबने वाले हैं, लेकिन वो पैसे है किसके? ये अपने तुम्हारे खास मित्र के, इम्तियाज जलील के, और इसके लिए वो करने के लिए सब कर, वो बचाने के लिए कर रहे हैं। तो बाकी जानबूझ के कुछ हिंदू समाज को लेके, हिंदू लोगों को लेके मैंने उनको बोला, सब हम लोगों ने 2-3 बार उनकी मीटिंग भी ली और सब हमारे मीटिंग के कारण से हमारे विभागीय आयुक्त के पास जाने के बाद में कि इसकी इंक्वायरी बहुत ज़्यादा कड़क हुई, बाकी आंदोलन करके नहीं हुई। सर 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 आने सर 101 आखिरी सवाल है सर, आने वाले सर जैसे आप दावा कर रहे हैं, एक सवाल है सर आप जैसा दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द है, खैरख्वाह है, सुनो एक सवाल है मेरा, आने वाले इलेक्शन में विधानसभा में, लोकसभा में, महापौर में, इसमें क्या ऐसा शिवसेना देंगी कि भाई ये हमारा मुसलमान खासदार है, ये मुसलमान आमदार है, ये मुसलमान महापौर है, ऐसा देखने को मिलेगा सर कई सालों के बाद? माड़ा में डायरेक्टर दिए ना मेरे को, माड़ा में डायरेक्टर मेरे को दिए ना, लेकिन आप भड़काने की भाषा कर रहे हैं, किसके दोस्त हो? नहीं उसने कुछ भी नहीं किया, ऐसा है कि मुसलमान हिंदू ये बात नहीं है। देखिए ये हमारी चर्चा है वो केवल संभाजीनगर के लिए हुई है। आज देश खतरे में आया, देश का संविधान खतरे में आया। आप देखो 2014 साल में मोदी के साथ 40 पार्टी थी कि चलो एक मोदी ने सपना दिखाया था भारत को कि महंगाई जाएगी, बेरोजगारी जाएगी, सबके खाते में पैसा आ जाएगा और जो कुछ घोषणा की, और सबसे बड़ी ज्यादा उस संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं। और आज की तारीख में ये देश में इंडिया नाम का एक अलायंस हो गया, वो अलायंस का हम पार्टनर है, शिवसेना पार्टनर है। और ये हमने शिवसेना एक नहीं है, ये देश के 28 पार्टी के लोगों ने, जैसे इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री मान है, दिल्ली के आपके केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, बिहार के नीतीश कुमार है, उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह है, और ये सबको ऐसा लगता है कि ये देश मोदी साहब ये हुकुमशाही के ऊपर लिख रहे हैं। जैसा कोई भाई साहब ने पूछा
कानून बड़ा कि सरकार बड़ा? मैंने पूछा सर। आप पढ़े ना? जी सर। वही मोदी के राज में चल रहा है, सरकार बड़ा कानून नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ मानते नहीं है। इसलिए सारे लोगों ने आज बंबई में उद्धव साहब के नेतृत्व में 17 पार्टी है, उनका एक ही नारा है, मोदी हटाओ। ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबको तकलीफ है, ये सबको तकलीफ है। ईडी आती है इसके ऊपर, घुसती है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और तुम्हारा GST। क्या मोदी ने कहा था और क्या मोदी कर रहा है? और लोगों को जागरूक करने के लिए माननीय उद्धव साहब ने ये हमें कार्यक्रम दिया है, वो कार्यक्रम से हम आपका भाई लोग का भी सुना है। कोई अढ़ाई साल में आप उद्धव साहब का काम देखा, और ये लोग मोदी साहब इतना महाराष्ट्र में अच्छा काम करते हुए हमारा पार्टी तोड़ दिया, हमारा ही नहीं कांग्रेस का, शरद पवार साहब का पार्टी तोड़ा, गोवा में पार्टी तोड़ा, सब जगह सब प्रांत में सब राज्यों में अपना राज्य आना चाहिए, उसने पार्टी तोड़ना, उनको खरीद लेना, ये जो कुछ सब कुछ काम चला उसके आगे में, इसके लिए मोदी को हटाओ। और इसलिए हम पूछ रहे हैं, मोदी बोले तुमको क्या मिला है क्या? इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, मोदी ने कितनी योजना जाहिर की, 2 लाख मेरा उनको रोजगार देने वाला दिया, महंगाई 100 दिन में कम कर वाला दिया, जो पेट्रोल पंप में सब गैस के फोटो लगाए थे औरतों के, क्या भैया उज्ज्वला गैस देगा, दिया पानी की व्यवस्था, सबको घर में शुद्ध पानी देगा, आज 8 दिन में इधर पानी नहीं मिलता है। तो ये जुमला है ना मोदी का, वो रास्ते पे लाने के लिए हम लोग इधर आए हैं, ये चर्चा उसके लिए मोदी को हटाना है। मित्र के मित्र तुम आपने एक बार ऐसा बोला था कि शिवसेना का सरकार आने के बाद में आप मंत्री वगैरह बनाएंगे थे, आपको मालूम है कि जब माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जब हिंदुत्व का सरकार आया था उस समय मैं भी मंत्री था, पालक मंत्री, लेकिन उस समय अंबरनाथ से 3 बार चुन के आए हुए हमारे साबिर शेख उनको मंत्री बनाया था, कैबिनेट मंत्री, मालूम है? मुझे मालूम है सर, एक मेरा सवाल है, मराठवाड़े से कोई चेहरा दिखेंगे? तो क्या क्या बोले, कौन है? चेहरा दो ना, जब आएगा तो आएगा ना, बड़ा होंगे ना, चेहरा दो ना, आप हो रहे हैं महानगर पालिका में, तुम हमको नगर से चुन के दो, फिर महापौर सभापति सब बैठेंगे साथ में, थैंक यू, मिसे लोग बैठने वाला है ना, थैंक यू सर, आने वाला है, धन्यवाद। एक सौ एक कुछ फसल से सर, बहुत बहुत सर, आओ आप सर, हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया।